जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, कहा ललन बाबू को समझना चाहिए था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। इसी क्रम में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं है, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के सूत्रधार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने इस मामले पर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, ऐसा कहा है जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, नीतीश कुमार की 3 वर्षीय योजना के तहत ललन सिंह का भी पत्ता साफ कर दिया गया। वैसे ललन बाबू को समझना चाहिए था कि जो नीतीश कुमार फर्नांडिस साहब के ना हुए, आरसीपी बाबू शरद यादव दिग्विजय सिंह के ना हुए, तो वह उनके कैसे होंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। विधानसभा में जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर तीखी नोकझोंक हो गई। नीतीश कुमार तुम तड़ाक पर उतर गए थे। दरअसल चर्चा के दौरान जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम किसी भी हाल में नहीं मानते कि बिहार में जाति का जनगणना सही हुई है, अगर आंकड़े गलत हैं तो सही लोगों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। मांझी किसी बात पर नीतीश कुमार बहुत गलत तरीके से भड़क गए थे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।